अब आवाज आ रही है एक बार सुनिश्चित कर दें फिर आगे बढ़ ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल क्लियर ठीक चलिए तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग इन क्लासेस के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के प्रलिम्स में जो कुछ विषय जिनसे संबद्ध प्रश्न आ सकते हैं उन विषयों तक हम लोग पहुंच सकें ठीक है तो जो पिछले करीब डेढ़ साल में जो मुद्दे जो घटनाएं जो बहुत सुर्खियों में रहे हमें उनको टैप करना है उन पर क्या क्या बिंदु आ सकते हैं उनको समझना है करंट अफेयर्स में डे वन से कह रहा हूं कि ये अपने में कोई विषय तो है नहीं करंट अपना विषय वस्तु अपनी जो है वो कहीं पॉलिटी से लेगा कहीं इकॉनमी से लेगा कहीं इन्वायरमेंट से लेगा कहीं टेक्नोलॉजी से लेगा कहीं हिस्ट्री से कल्चर से लेगा तो निर्गुण निराकार है तो ये दृष्टिकोण तो है लेकिन जो परंपरागत विषय हम पढ़ते हैं उसमें कहीं वो अपडेशन उस स्तर पर नहीं होता इसलिए समानांतर इन कक्षाओं की ज़रूरत होती है और उसी प्रक्रिया को हम जितना ज़्यादा कवर कर सकें कर लिया तो बहुत अच्छा है इकॉनमी में नहीं किया तो एक ये मंच है एक ये संदर्भ है यहाँ से हम उसको कर लें सिर्फ इतना प्रयत्न है अन एकेडमी आर्टिकुलेट जिस चैनल पर हम लोग जुड़े हुए हैं और अन अब आप, आप लगातार देख रहे होंगे कि देश में ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी विकल्प के तौर पर उभरा है और बेसिकली हम लोग जो लॉकडाउन की स्थितियाँ जिस तरह से बन रही हैं बदल रही हैं उसमें लगता है अभी आओ, और काफी अरसा आपको कोई विकल्प ही नहीं होगा तो अन अकेडमी जो सर्वश्रेष्ठ कर सकता है प्रतियोगियों के लिए उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और इसी संदर्भ में एक अद्भुत काम हम सब ने मिलकर इसमें सबका योगदान है मेरा भी योगदान है हमने पूरे सिलेबस को लेकर कुछ पूरे सिलेबस को लेकर 20 बुकलेट्स में कोशिश करिए कि जो कुछ सार गर्भित मटीरियल जो पढ़ना चाहिए उसको हमने क्यूरेट किया एक तरह से और अब अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस समय तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो अन अकेडमी वैसे भी सौ परसेंट आपका सिलेबस कंप्लीशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ईज़ ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट से आपको इस परीक्षा की ज़रूरतों के साथ जोड़ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं उनको आपके लिए उपलब्ध करवाना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर इसमें सारी बातें हैं इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आजकल कोविड समय में थोड़ा सा आर्थिक बोझ सबके ऊपर है नए बच्चों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं पर कहीं आर्थिक समस्या है तो आपको उस संकट से भी उबारने के लिए आपको एक लोन जैसी व्यवस्था जो आप जब सिविल सर्विसेज क्रैक कर लें तो आप खुद माता पिता के ऊपर बोझ न डालें और खुद अपने श्रम से अपनी मेहनत से आप उस ऋण को आप उससे उऋण हो सकते हैं तो इस तरह का भी एक पूरा प्रयोग अन अकेडमी में किया गया है आप इसके बारे में भी सोचना चाहें तो आपको मिल सकती है हमारे बैचेस इक्कीस अप्रैल से जो शुरू हो रहे हैं इसमें तीनों तरह के इस साल के लिए बाईस के लिए तेईस के, के लिए सब तरह के विकल्प हैं बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और इन सारे लाभों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है आप इसको डेफिनेटली सोच सकते हैं आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं एक एक करके जो भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं हॉर्न हैबिटेट लॉस इन्वायरमेंट के एक टॉपिक से हम बात को शुरू करें मैं निपथ्य में चला जाता हूं क्योंकि जो गंभीर छात्र हैं वो चाहते हैं कि वो इसका लाभ ले सकें ठीक है हॉर्न हैबिटेट लॉस बेसिकली एक अध्ययन हुआ है उपग्रह आंकड़ों के आधार पर सेटेलाइट डेटा के आधार पर जिसके थ्रू आप इस बहुत ही एक वल्नरेबल एक स्पेशी के बारे में सूचना तो इसको लेकर प्रश्न आ सकता है अस्टडी बेस्ड ऑन सेटेलाइट डेटा हैज इंडिकेटेड अ हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ असम। तो ये हॉर्नबिल है इसके जो आवास ग्रह हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश और असम के बड़े हिस्से में इसमें काफी क्षरण इनके आवास ग्रहों में डिफॉरेस्टेशन के कारण निर्वनीकरण के कारण हुआ है इस तरह का एक स्टडी एक अध्ययन इस बारे में आया है तो बेसिकली हम हॉर्नबिल को लेकर एक प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं उद्देश्य इतना है स्टडी ओवरऑल जो है उसमें सेटेलाइट इमेजरी के बेसिस पर जो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि पाके टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है जो अरुणाचल प्रदेश में है तो अब ये टाइगर रिजर्व ये रिजर्व फॉरेस्ट ये सब इस घटनाक्रम के समानांतर महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो पाके टाइगर रिजर्व के से सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में है और ये जो अध्ययन है इसके परिणाम बताते हैं कि ये जो क्षरण है और हॉर्नबिल का जो आवास ग्रह है उसमें ये एक मेजर एक क्रिटिकल आपको चरण दिखेगा ये बेसिकली ईस्टर्न हिमालय यहाँ की हम बात कर रहे हैं जो हॉर्नबिल का एक बहुत ही हॉट आप कह सकते हैं कि उसका हैबिटेट माना जाता है अगर हम ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2020 इस रिपोर्ट के आधारों को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में करीब 1110 वर्ग किलोमीटर ये प्राथमिक वन थे 2002 से 19 के बीच और यहाँ पर जो अवैध कटाई और जो नृजातीय संघर्ष था उसके कारण इन वनों के ऊपर एक दबाव देखा गया इसमें कृषि का विस्तार और प्लांटेशंस वगैरह यहाँ पर होने लगे पेड़ कटने लगे जिसकी वजह से आपको ये पूरी चीज़ ये पूरा समीकरण कमज़ोर होता दिखेगा हॉनबिल जिनका वैज्ञानिक अगर नॉमिनक्लचर देखें तो इसको ब्यूसेरो टिडे ब्यूसेरो टिडे कहते हैं हॉनबिल्स ब्यूसरो टिडे ये बर्ड्स की एक फैमिली है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अफ्रीका में और एशिया में पाई जाती है सब ट्रॉपिकल अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है बर्ड की ये स्पीशीज जिसे हॉर्नबिल कहा जाता है भारत में हॉर्नबिल की नौ प्रजातियां नौ स्पीशीज पाई जाती हैं इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है भारत का उत्तर पूर्व वहां पर सर्वाधिक विविधता आपको हॉर्नबिल स्पीशीज की दिखेगी भारत के अंदर तो उत्तर पूर्व एक बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत सघन यहां पर इनका संकेंद्रण आपको दिखेगा पापुम रिजर्व फॉरेस्ट ये बहुत एक बड़ा नेस्टिंग हैबिटेट है तीन प्रजातियां हॉर्नबिल्स की यहां पर नेस्ट करती हैं। यानी कि इनका जो डेवलपमेंट है वो यहां से रिलेटेड है प्रजातियां कौन सी हैं ग्रेट हॉर्नबिल जिसको ब्यूसर बिकोनिस वैज्ञानिक नाम है रीत हॉर्नबिल जिसको एसोरस कहते हैं और एक ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल एंथ्रेकोसरस एल्ब ये इसका वैज्ञानिक नाम है एक कथन यहां पर परीक्षा में आपको दिख सकता है परीक्षा में कथन ये दिख सकता है कि बेसिकली ये जो प्रजातियां हैं इनका नाम देकर कि इनमें से इंडिया में स्पेसिफिक कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं तो ग्रेट हॉर्नबिल तो रीथ हॉर्नबिल और ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल ये स्पीशीज़ हैं जो प्रमुखता भारत के उत्तर पूर्व में संकेंद्रित हैं और निर्वनीकरण और जो ये इस तरह की गतिविधियां हैं इसकी वजह से इनके आवास ग्रहों पर गंभीर खतरा है ऐसी एक अध्ययन की हमको वो देता है ये पक्षी है देखिए सुंदर सा ग्रेट हॉर्नबिल और ग्रेट हॉर्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश का एक स्टेट बर्ड भी है और केरला में भी दो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और केरला जिन्होंने इसको ग्रेट हॉर्नबिल को अपना स्टेट बर्ड अनाउंस किया हुआ है सांस्कृतिक अगर प्रतीकों की बात करें तो ये काफी सारी निर्जातीय प्रजातियां हैं उत्तर पूर्व में जो ग्रेट हॉर्नबिल को अपने संस्कृति के साथ अपने इतिहास के साथ बहुत प्रगाढ़ता के साथ जोड़कर देखती हैं जैसे एक प्रजाति है नाइशी अरुणाचल प्रदेश का एक एथनिक कम्युनिटी है वो हॉर्नबिल के साथ अपना कल्चरल जो लीनियेशन है उसको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं इन हॉर्नबिल्स को ग्रेट हॉर्नबिल को फॉरेस्ट इंजीनियर्स कहा जाता है फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है दो और कथन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपको विकल्प दे देगा ए बी सी डी और कहेगा इनमें से किसको फॉरेस्ट इंजीनियर या फार्मर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है तो उत्तर है ग्रेट हॉर्नबिल क्यों कहा जाता है क्योंकि यह एक बहुत प्रमुख रोल एक की रोल जो सीड डिस्पर्जल होता है सीड डिस्पर्जल आप जानते हैं कि इसमें पॉलिनेशन वगैरह आप पढ़ते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है अलग अलग बर्ड स्पीशीज का तो ग्रेट हॉर्नबिल सीड डिस्पर्सल के लिए ट्रॉपिकल ट्रीज के खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसलिए इनको फॉरेस्ट इंजीनियर्स या फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है और अगर ग्रेट हॉर्नबिल इनकी संख्या ठीक ठाक है तो ये दिखाता है कि प्रॉस्पेरिटी और बैलेंस जो वनों का है ना संतुलन और सम्पन्नता वनों की ये बहुत सशक्त है इसलिए पारिस्थितिकीय दृष्टि से भी हॉर्नबिल की जो इनकी पॉपुलेशन है ये बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है नागालैंड बहुत विख्यात है अपने हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जो बेसिकली इसी पक्षी के नाम पर रखा गया है और कहा जा सकता है कि नागास के जो सबसे नागास के एक ओवरऑल सांस्कृतिक अवलंबों में जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ प्रतीक हैं उनमें से हॉर्नबिल को हम देख सकते हैं अगर इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो टोटल बासठ स्पीशीज हैं ऑन बिल्स की जिनमें से 26 जो है उनको वैश्विक स्तर पर थ्रेटेंड माना जाता है ग्लोबली थ्रेटेंड हैं, या नियर थ्रेटेंड हैं विद एक्सटिंक्शन, विलुप्त की कगार पर हैं। बाकी जो स्पीशीज हैं उनको कुछ को लीस्ट कंसर्न में आई के अगर नॉमन क्लेचर को देखें रेड लिस्ट जो इनकी होती है उसमें इनको थ्रेटेंड स्पीशीज के तौर पर देखा जा सकता है हम जिस ग्रेट हॉर्नबिल की बात कर रहे थे जिसका भारत के लिए बहुत बड़ा संदर्भ है वो आई की रेड डेटा लिस्ट में वलनरेबल वलनरेबल सीरीज में आपको दिखेगी तो ये पूरा इसका प्रोटेक्शन स्टेटस है अगर देश के कानूनों के हिसाब से देखें तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उन्नीस का उसकी पहले शेड्यूल में जिसमें सबसे ज्यादा जिनको संरक्षण चाहिए उन प्रजातियों की लिस्ट में ये भी शामिल है तो इसको सर्वोच्च स्तर का संरक्षण भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये उपलब्ध करवाता है तो ये बात भी आपको यहाँ पर दिखेगी थोड़ा सा पापुम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में जानकारी को बढ़ाएं क्योंकि इस विषय से ये भी संबद्ध है इस पर प्रश्न आ सकता है तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में उसके दक्षिण पश्चिम पश्चिम में ये केंद्रित है ये संरक्षित वन क्षेत्र ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है पूर्व में और पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम में इसको एक तरह से आच्छादित करती ये बेसिकली इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसका हिस्सा माना जाता है तो भारत और म्यांमार ने मिलकर एक संयुक्त बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अनाउंस किया हुआ है यह उसका भी हिस्सा है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए ईस्टर्न हिमालयस का ये पार्ट है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट और एंडमिक बर्ड एरिया माना जाता है एंडेमिक बर्ड एरिया एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पर एक संस्था है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वो किसी क्षेत्र को अगर महत्वपूर्ण अनाउंस करे कि इस क्षेत्र में कुछ खास तरह की जो बर्ड्स हैं उनके संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बर्ड्स यहीं पर पाई जाती हैं वहीं के लिए एंडेमिक हैं तो इस तरह का पप्पुम रिजर्व फॉरेस्ट एक एंडेमिक बर्ड सेंचुरी भी है इस बात को भी ध्यान रखिएगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये एक ग्लोबल एक पार्टनरशिप है एन की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिकली प्रयत्न कर रही हैं कि पक्षियों को बर्ड्स को और उनके आवास ग्रहों को पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध करवाया जा सके तो ये पूरा संदर्भ यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं दूसरे बिंदु पर दूसरे विषय पर चलते हैं ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी डिफेंस सेक्टर को काफी कुछ इस परीक्षा वर्ष में बदला गया है इसमें रक्षा खरीद से लेकर विभिन्न आयामों को काफी कुछ मॉडर्नाइज किया जा रहा है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार प्रिलिम्स में इसी से जोड़कर एक ड्राफ्ट आया था और ऑलमोस्ट यही अब स्वीकृत होने के कगार पर है तो आपको पता होना चाहिए कि इस डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में क्या महत्वपूर्ण बातें आई हैं जिन्हें कथन के तौर पर पूछा जा सकता है तो रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को ओवरऑल प्रपोज किया ये जो पॉलिसी है इसमें एनविजेज जिसमें सोचा गया कि हम एक ओवर आर्चिंग गाइडिंग डॉक्यूमेंट बना सकें जिसमें फोकस्ड स्ट्रक्चर्ड और सिग्निफिकेंट एक बल दिया जा सके डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को देश के और जिसको हम कई बार चर्चा कर चुके कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर न सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए हो सके बल्कि रक्षा निर्यातों को लेकर भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर भी एक देश जो आयातों पर रक्षा आयातों पर केंद्रित रही वो रक्षा निर्यातों को लेकर अगर इतनी आक्रामक हो अपनी नीति में तो बड़ी बात बनती है लक्ष्य क्या है टारगेट्स क्या है उसको देखने का प्रयत्न करते हैं रक्षा क्षेत्र में एक लाख पिछहत्तर हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर जिसमें कि करीब पैंतीस हजार करोड़ का निर्यात किया जा सके और ये होगा एरोस्पेस में और रक्षा उत्पादों में और सेवाओं में 2025 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना ये आपको इस डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का एक बड़ा आधार मिलेगा एक लाख पिछहत्तर हजार करोड़ का टर्नओवर जिसमें पैंतीस हजार करोड़ का रक्षा क्षेत्र में निर्यात सेवाओं में निर्यात दूसरा मुद्दा एक गत्यात्मक बहुत सशक्त और एक प्रतिस्पर्धी हम रक्षा उद्योग का निर्माण कर सकें डिफेंस इंडस्ट्री का निर्माण कर सकें जिसमें शामिल होगा एरोस्पेस क्षेत्र भी और नेवल शिप बिल्डिंग क्षेत्र भी जिसमें इतिहास कहता है कि हम बहुत सशक्त थे फिर कमज़ोर हो गए हमको बाहर से सब कुछ शिप्स भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे छोटे छोटे देश बनाते हैं यूरोप वगैरह में लैटिन अमेरिका में और हम वहां से खरीदते थे अब इसको बदलने की कवायद है तो रक्षा उद्योग को जब सशक्त किया जाना है तो एरोस्पेस भी है और नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी है और जब नेवल शिप बिल्डिंग मजबूत होगी तो कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग अपने आप उसके साथ आ ही जाती है तो ये हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को गुणात्मक उत्पादों के माध्यम से इन आधारों पर सशक्त बना सके तीसरी बात हम तो रक्षा आयातों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें और मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हम घरेलू स्तर पर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट को रक्षा से संबंधित आगे बढ़ा सकें अगला बिंदु है कि हम रक्षा उत्पादों के निर्यात को लेकर सजग रहें उसको संवर्धन दें और ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन्स जो निर्मित हैं उसमें भारत भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए ये भी एक मुद्दा आपको इस विषय में दिखेगा समग्रता कह सकते हैं कि इस नीति के माध्यम से एक ऐसे पर्यावरण को निर्मित करने की बात है जहाँ अनुसंधान और विकास परक गतिविधियों को रक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहन मिले जिसमें नवाचार को भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बौद्धिक जो संपत्ति है उसके विकल्प को सशक्त कर सकें और हम एक ऐसी रक्षा उद्योग का निर्माण कर सकें जो आत्मनिर्भर हो और बहुत सशक्त तौर पर इस देश की जरूरतों को आगे बढ़ा सके तो यह पूरा इस पॉलिसी का लबलुआफ था इस नीति में जो रक्षा खरीद होती है प्रोक्योरमेंट जो सबसे विवादित रहता है उसको लेकर भी कुछ बड़े विकल्प थे इन बातों को भी समझना जरूरी है अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इसको सेटअप किया जाएगा डेवलपमेंट और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर तो so, एक पीएमयू या प्रोडेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण करना ये इम्पोर्टेंट है और इस पूरी प्रक्रिया में आपको दिखेगा कि रक्षा क्षेत्र में जो भी मेंटेनेंस को लेकर जो जरूरतें हैं जो इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स की जरूरत है उस सबको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहीं ना कहीं केटर करेगी उसकी जरूरतों का ध्यान रखेगी लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की जगह मतलब तो जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो लाइसेंस्ड है इस नीति की जगह कहीं भारत घरेलू स्तर पर डिजाइन डेवलप और प्रोड्यूस कर सके रक्षा तकनीक को उत्पादों को इस बात को ज्यादा महत्व देना ये इस नीति का बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है इंडिजनाइजेशन यानी जो घरेलू जो हमारा शक्ति इसमें बढ़े इसके लिए एक इंडस्ट्री इकोसिस्टम निर्मित करने की बात करती है ये नीति जिसमें जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स हैं इसमें कई एलॉय होते हैं कुछ स्पेशल मटेरियल होते हैं जो रक्षा उत्पादों में काम आते हैं इन सब को भारत में निर्मित करने पर बल दिया जाएगा इनको इंडिजनाइज करने पर बल दिया जाएगा जो सब असेंबलीज हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स की और जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन सब को भी भारत में निर्मित करने पर बल दिया जाएगा बाकायदा पाँच हज़ार ऐसे विषयों की सूची बनाई गई है जो अभी इंपोर्ट पर निर्भर हैं इन सब को 2025 तक भारत में ही निर्मित करने की एक सुनिश्चित नीति आपको इस इस पूरे प्रयत्न के अंदर दिखेगी अभी जो शेयर है घरेलू खरीद का ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट में वो 60 परसेंट है और इन ऑर्डर टू एनहांस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री द प्रोक्योरमेंट नीड्स टू बी डबल्ड फ्रॉम द करेंट करोड़ टू वन लाख फोर्टी थाउजेंड करोड़ बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तो नीति अंतिम तौर पर दो हजार पच्चीस तक सत्तर हजार करोड़ से इस घरेलू खरीद की मात्रा को बढ़ाकर डबल करना एक लाख चालीस हजार करोड़ करने का संकल्प भी रखती तो ये सारी नीति थी इसको आपको देखना चाहिए ऑडियो वीडियो सब ठीक है किसी तरह का कोई समस्या तो नहीं आ रही अरे कश्मीर में तो वैसे ही हिनान इतना कुछ है ना? हिनान कश्मीर में तो यार वैसे ही तुम स्वर्ग में रह रहे हो बस स्थितियां ऐसी करवा दो कि हम सब भी उस स्वर्ग को उसी तरह देख सके अभी तो इतना मन करता है लेकिन कश्मीर को लेकर हमेशा हम लोगों के मन में सुरक्षा की दृष्टि से एक सवाल रहता है चलो इनशाला जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा और हम सब हिंदुस्तानी लोग अपने वतन में कहीं भी आने जाने की आज़ादी रख पाएंगे चलिए अगला विषय नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन अगर यूपीएससी के माइंडसेट को देखें और बड़ा अच्छा लगता है ये सब हिनान देख कर कि कहीं पता नहीं कश्मीर में तुम कहीं सुदूर बैठे हो गए वहाँ कोई जरिया होगा नहीं किसी भी तरह से हम लोग जो भी थोड़ी बहुत कुछ सहायता कर पा रहे हैं तो यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का अन एकेडमी जैसे प्रयत्नों का यही एक लाभ है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन आरबीआई ने इसको रिलीज किया इसलिए इम्पोर्टेंट है भारत का सेंट्रल बैंक है इसको इसकी कोई भी रिपोर्ट कोई भी संस्थागत प्रयत्न उसको हम निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण माने तो आर ने रिलीज किया है एन एस एफ ई इज नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये 2020 से 25 के लिए एक डॉक्यूमेंट है और किस मुद्दे पर है कि हम क्रिएट कर सकें एक फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया ये दूसरी ऐसी ऐसा डॉक्यूमेंट है पहला 2013 में रिलीज हुआ था और दूसरा अभी इस साल में हुआ है इसको नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन एन ने इस पूरी रिपोर्ट को बनाया है साथ में कंसल्टेशन है जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में रेगुलेटर्स हैं अलग अलग वित्तीय क्षेत्रों में जो रेगुलेटर्स होते हैं उन सबको साथ में लेकर यह संस्था है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जिसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है रेगुलेटर्स कौन है आरबीआई तो हो ही गया देश में सेंट्रल बैंक है फिर सिक्योरिटी मार्केट्स को स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी। इंश्योरेंस के पूरे सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिर पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने वाली संस्था पी और इन सब के साथ मिलकर एन ने बेसिकली जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन बनाई है उसमें वित्तीय संदर्भों में देश को हम बेहतर कुछ उनको जागरूक कर सकें उनको जो आ, ए ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए वो सब प्रोवाइड कर सकें और इन सब प्रयत्नों को किया गया है एन की अगर बात करें तो ये एक सेक्शन एट है कंपनी एक्ट का कंपनी एक्ट 2013 का उसके अंतर्गत स्थापित एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है एनसीएफई कंपनीज एक्ट की धारा के 8 के अंतर्गत सेक्शन 8 के अंडर एक नॉट फॉर प्रॉफिट एक कंपनी एस्टैब्लिश हुई है जिसके प्रमोटर्स हैं सारे रेगुलेटर्स आरबीआई सेबी आईआरडीएआई और पीएफआरडीए यह मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को लेकर चलती है और जनसंख्या के अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनको एम्पावर करना सशक्त बनाना उनके पास पर्याप्त ज्ञान हो पर्याप्त स्किल हो एटीट्यूड हो बिहेवियर हो जो अपने पैसे का प्रबंधन वो बेहतर तौर पर कर सकें और अपने भविष्य के लिए जो आवश्यक चीज़ें आप सोचिए ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस पैंडमिक में इस कोरोना पैंडमिक में आप सोचिए कि कितने लोग हिंदुस्तान में इस बात को जानते या समझते हैं कि आज के समय में एक मध्य वर्ग के लिए सबसे बड़ा संकट क्या है शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो बाकी तो वो दो जून की रोटी किसी तरह जुगाड़ कर ही रहे है लेकिन शिक्षा में जो कांस्टेंट अब कल को सोचिए बीस पंद्रह साल बाद जो लोग अभी जिनके बच्चे हो रहे हैं सोलह सत्रह साल बाद वो जब स्कूल से बाहर निकलेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए होगी क्या रिक्वायरमेंट होगी पैसे की कोई सोच ही नहीं रहा उस बात को उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अब जो भी है फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट हायर एजुकेशन तो पूरी दुनिया में महंगी है विकसित देशों में ये जरूर है कि प्राथमिक शिक्षा स्कूल एजुकेशन फ्री होती है इंडिया में उसके लिए भी आपको भारी लागत देनी पड़ती है ठीक है हायर एजुकेशन तो वहाँ पर भी बहुत कॉस्टली है क्योंकि वहाँ सबको नहीं कहा जाता कि आप इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो लॉयर बनो आप में अगर बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें हैं तो आप करो ये बहुत बड़ी एक्चुअली पॉलिसी है इंडिया में हम इस बात को समझ ही नहीं रहे आपको इस बात को समझना होगा आप इतने सारे बीटेक पैदा कर दोगे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए बहुत सारे और फीस नॉर्मल रख दी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा दिया अपने बच्चों को जॉब्स कहाँ से आएंगे आप मतलब अब क्लर्क की तरह इंजीनियर कॉल सेंटर में भी काम कर रहा है एटीएम के गार्ड भी इंजीनियर एनसीआर में डेली एनसीआर में देखे गए केस स्टडीज हैं तो आप सोचिए कि ये पूरा सिस्टम ऐसा है कोई उसको छूना नहीं चाहता कोई उसको बदलना नहीं चाहता बट इससे समाधान तो नहीं निकलेगा आप जॉब्स देखिए किस सेक्टर में कितनी जॉब है उसी के हिसाब से कंपटीशन है उसी के हिसाब से हमको चीज़ों को देखना होगा खैर मैं ये कह रहा था ओवरऑल हमें अपने भविष्य को लेकर खुद जागरूक होना होगा किसी सामने वाले पर सरकार पर नेता पर पॉलिटिकल पार्टी पर आप भरोसा करके नहीं चल सकते क्योंकि वो थोड़ी ना जादू की छड़ी लेके बैठे हैं कि आपके लिए कुछ कर देंगे आप सोचिए रियलाइज करिए क्या सिचुएशन है आपके लिए यही चीज वित्तीय मामलों में है कितनी बड़ी पैंडमिक आई इसके बाद भी क्या हिंदुस्तान में लोग सोचेंगे कि जितने का एक साल में मैं एक टिप्पणी कर रहा हूँ हो सकता है गलत लगे पर बहुत सारे ऐसे आपको मतलब जो सो so कॉल्ड आपको लगे गरीब हैं ये कैसे हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा देंगे उतने पैसे का गुटखा खा लेंगे एक साल में सिगरेट पी लेंगे बीड़ी पी लेंगे शराब पी लेंगे लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट वेरी कॉस्टली आप अगर देखें एडवर्टीजमेंट्स बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के भी क्योंकि इंश्योरेंस का मॉडल ही वैसा है पर उनके अंदर वो जानकारी नहीं है उनको शायद पता नहीं है या समझना नहीं चाहते ये सब काम आपको करना होगा ये आपका भविष्य है आपका परिवार है आपका जीवन है तो बेसिकली आप अपने पैसे का मैं कभी इस पर अलग से क्लास लूंगा क्योंकि आप लोगों को भी ये बताना बहुत जरूरी है देर आर मेनी वेज आप कुछ भी अभी कोई काम कर रहा हो आप में से पंद्रह बीस हजार पच्चीस हजार रुपये भी आप कमा रहे हो उससे भी आप अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक है तो ये सारा उद्देश्य है इस पूरी कवायद का ये बताना चाह रहा था इस पूरी रणनीति में फाइव सी की अप्रोच को वित्तीय शिक्षा के संदर्भ में देश में लागू करने की बात है पांच सी क्या है इसको मेंस में भी कुछ इस तरह से प्रश्न हो तो आप यूज कर सकते हैं पहला सी है कंटेंट फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट कंटेंट फॉर वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन आपको जरूर जागरूक करना है तो आपको इस तरह का कुछ कंटेंट डेवलप करना होगा कैपेसिटी टू डेवलप कैपेसिटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए कुछ कैपेसिटी आपको डेवलप करनी होगी तीसरा सी है कम्युनिटी एक समुदाय आधारित सामुदायिक नेतृत्व आधारित रणनीति को हमको इसमें लेना होगा जिससे कि वित्तीय साक्षरता को एक सस्टेनेबल मैनर में देश में आगे बढ़ाया जा सके चौथा सी है कम्युनिकेशन संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए मीडिया का उपयोग करिए और इनोट इनोवेटिव वेज का आप उपयोग करिए और कम्युनिए कम्युनिकेट करिए डिसेमिनेट करिए फाइनेंशियल एजुकेशन के मैसेजेस को पब्लिक तक सो so दैट उनको समझ में आए कि हमको अपने जीवन में क्या करना है और पांचवा सी है कोलैबोरेशन गठजोड़ आपको स्ट्रीमलाइन करने होंगे एफर्ट्स बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ जिससे कि देश में वित्तीय साक्षरता को फाइनेंशियल इश्यूज़ पर लोगों की जो समझ है उनकी जागरूकता है उसको बढ़ाया जा सके ये सारी बातें हैं इसको आप देख सकते अगला विषय फिर एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 इस पर प्रश्न इस बार अपेक्षित है जैसे पी स्कीम पर अपेक्षित है मैंने पहले आपको बताया तो ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम इसका दूसरा संस्करण 2.0 इसको लेकर कुछ बातें जाननी चाहिए देखते हैं गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है बेसिकली जो पुरानी पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम थी उसको और इसको कहा जा रहा है 2.0 पॉइंट जीरो टू प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सीबिलिटी ज्यादा लोच फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सके स्टेट ओन्ड सरकारी बैंकों को वो बॉन्ड्स को परचेज करने में और कॉमर्शियल पेपर्स को परचेज करने में बेसिकली एन के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बॉन्ड्स और कॉमर्शियल पेपर्स को खरीदने की ज़्यादा उनको फ्लेक्सिबल सिचुएशन हो इसको नाम दिया गया पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रश्न पूछ सकता है कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम किस विषय से संबद्ध है तो किस विषय से संबद्ध है कि एन को जो बहुत संकट में थी इनको कहीं स्थिरता देने के लिए सरकारी स्वामित्व के बैंकों के लिए स्थितियां सरल की जाए कि वो एन के बॉन्ड्स और कॉमर्शियल पेपर्स को खरीद सकें इससे एन को पैसा मिल जाएगा और इस पैसे से भारत की इकॉनमी में जिस तरह का आपको ओवरऑल चाहिए कि एक गत्यात्मकता बनी रहे वो बनी रहेगी पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम कब अनाउंस हुई थी जुलाई 2019 में और इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा गया कि आप हाई रेटेड मतलब जिनकी क्रेडिट रेटिंग हाई हो यानी कम से कम ट्रिपल बी प्लस उससे ऊपर हो आप ऐसे ओवरऑल बॉन्ड्स वगैरह को आप खरीद सकते हैं जो वित्तीय दृष्टि से थोड़ा सा सुदृढ़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दिख रही हैं या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज दिख रही हैं उनके आप ट्रिपल बी प्लस या उससे ऊपर के जो बॉन्ड्स हैं रेटेड उनको आप खरीद सकते हैं अब बेसिकली इसको थोड़ा और सरल किया गया है क्योंकि ट्रिपल बी प्लस और इससे ऊपर की रेटिंग बहुत सारी एन के बॉन्ड्स और कॉमर्शियल पेपर्स को नहीं हासिल है तो कहीं उनको भी खरीदा जा सके उन एन की भी सहायता हो सके ये पूरा पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में आपको दिखेगा यह पूरा ओवरऑल आधार था इसका इसको आपको देखना चाहिए फ्लाई एश ये भी क्लाइमेट चेंज को लेकर जितनी डिबेट है जितनी चर्चा है उसमें ये भी बहुत संभावित एक मुद्दा इस बार दिख रहा है आई एश क्या होती है कहाँ उपयोग में आती है इस सब पर केंद्रित प्रश्न आ सकता है ठीक है देखिए एन यानी जो थर्मल पावर या कोल बेस्ड पावर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है सरकारी स्वामित्व की एन टी पी सी हैज़ डेवलप्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसपोर्ट फ्लाई एश फ्रॉम पावर प्लांट्स इन बल्क टू सीमेंट प्लांट्स देखिए फ्लाई ऐश जो ये तापीय ऊर्जा पर आधारित जो विद्युत प्लांट्स होते हैं वहाँ पर प्रोड्यूस होती है और फ्लाई एश बहुत बड़ा एक आ, एक तरह से विलन है इस पूरे क्लाइमेट चेंज के कंसेप्ट में तो क्या उस फ्लाई ऐश को जिसका सीमेंट इंडस्ट्री में जिसका रोड बनाने के लिए बहुत प्रयोग हो सकता है क्या उसको सुरक्षित तौर पर इन पावर प्लांट से कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से क्या इनको सुरक्षित तौर पर और किसी चीज़ में उपयोग में लाया जा सकता है ऐसा एनटीपीसी ने एक बहुत सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इस वजह से ये विषय फिर बहुत सुर्खियों में था इससे क्या होगा कि हम एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली परिवहन के माध्यम से हम फ्लाई ऐश का सकारात्मक उपयोग कर सकेंगे ये एन के उस कमिटमेंट को भी पूरा करेगा जिसमें कहा जाता है कि हम अपनी फ्लाई ऐश का 100 प्रतिशत यूटिलाइज करेंगे जो हमारे पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है वर्तमान में भारत के जो एन के थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका 63 परसेंट जो फ्लाई ऐश वो बनाते हैं वो यूटिलाइज हो पाती है तो इसको 100 परसेंट करने का लक्ष्य है ये भी बात है फ्लाई एश होती क्या है इट इज़ द बाई प्रोडक्ट एक उप उत्पाद है जब कोल जलता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में तो ये बाई प्रोडक्ट है जो पैदा होता है इसको फ्लाई एश इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कम्बशन चैम्बर जहाँ कोयला जल रहा है उस कम्बशन चैम्बर से जहाँ गैसेस निकल रही हैं एग्जॉस्ट जो होता है उस एग्जॉस्ट गैसेस तक ये फ्लाई करती है इसलिए इसको फ्लाई ऐश कहा जाता है अब जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं वहाँ पर बैग फिल्टर्स लगाकर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के माध्यम से इस फ्लाई ऐश को कलेक्ट किया जा सकता है और फिर उसको उपयोगी तौर पर कहीं बाद में यूज़ किया जा सकता है फ्लाई ऐश में होता क्या है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें होता है सिलिकन डाइऑक्साइड, इसमें होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें होता है फेरिक ऑक्साइड और इसमें होता है कैल्शियम ऑक्साइड ध्यान रखिएगा सवाल आपको दिख सकता है सिलिकन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये कंटेंट्स हैं फ्लाई ऐश के उपयोग क्या है फ्लाई एश का इट इज यूज इन कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट बनाने में और सीमेंट के उत्पादन में इसका उपयोग होता है सड़कें जो बनती हैं उसके बेस में उसका बेस बनाने के लिए इसका उपयोग होता है मेटल की रिकवरी प्रोसेस में फ्लाई एश का यूज होता है और मिनरल फिलर के तौर पर इसका उपयोग होता है तो दीज आर एप्लीकेशन दीज आर ऑफ फ्लाई खतरा क्या है हार्मफुल इफेक्ट क्या है फ्लाई ऐश पार्टिकल्स टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स हैं वायु प्रदूषण में बहुत विनाशकारी तत्व हैं अगर हम हार्ट डिजीजेस की बात करें कैंसर की बात करें रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करें या स्ट्रोक जैसी बीमारियों में देखें तो फ्लाई ऐश का बहुत नेगेटिव उसमें एक कैटलिस्ट का रोल आपको दिखेगा अगर पानी के साथ कंबाइन हो जाए तो इसकी वजह से लीचिंग हो सकती है हैवी मेटल्स की ग्राउंड वाटर में जो एक अलग तरह का पॉल्यूशन इम्पैक्ट है तो ये मृदा को सॉइल को भी पॉल्यूट करता है और ट्री सिस्टम ट्रीज, ट्रीज का ट्रीज का पेड़ों का जो रूट डेवलपमेंट है उस पूरे सिस्टम में भी आपको फ्लाई एश का एक नेगेटिव रोल एक नकारात्मक रोल आपको दिखेगा तो ये तमाम चीज़ें भी आपको इस संदर्भ में दिखेंगी फ्लाई ऐश और इससे जुड़े मसले चलिए सवाल हैं कुछ जल्दी से करिए इनके जवाब पहला सवाल आपके सामने गुड इवनिंग एवरीवन मैं रिस्पोंड नहीं कर पाया लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका या महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम देखिएगा प्रश्न आपको इसमें दिखेंगे प्रमोशन ऑफ वेमेन इन साइंस इस पर बहुत ज्यादा बल है इसको ध्यान करिएगा तो आपको इनमें से कौन से इनिशिएटिव हैं जो इस मुद्दे पर केंद्रित हैं विज्ञान ज्योति स्कीम गति स्कीम किरण स्कीम आपको सही उत्तर ढूंढना है उत्तर आने लगे हैं अर्चना डी अंकित डी युवराज ए डी राजा डी राहुल डी पूजा डी अमित ए रोहित डी विनय मौर्या डी अवनीश सी नीरज भारद्वाज सी तो सी डी ए सारे ही ऑलमोस्ट पूरी विविधता हो गई है चलिए देखते हैं क्या सही जवाब था डी ज्यादातर तो लोगों ने सही किया विज्ञान ज्योति स्कीम किसने लॉन्च करी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या उद्देश्य है इंटेंडेड टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द मेरिटोरियस गर्ल्स इन हाई स्कूल टू परस्यू साइंस टेक्नोलॉजी अच्छा हाई स्कूल पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है जरा बताइए अपने अनुभव से बताइए हाई स्कूल में जो बच्चियां हैं उनको विज्ञान के प्रति थोड़ा सा किसी तरह से जो मेधावी जो बच्चियां हैं प्रतिभाशाली जो बच्चियां हैं उनको विज्ञान के प्रति क्यों आगे बढ़ा हाई स्कूल पर क्यों बल है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इस तरह की है ना कि यहाँ से फिर धाराएं मुड़ जाती हैं हाई स्कूल इसके बाद साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज और कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई साठ परसेंट जो हम मतलब जो एक समाज में संदर्भ है वो तो यही है कि साठ परसेंट से ऊपर फर्स्ट क्लास जिसको कहते थे तो भैया साइंस दिला दो भले ही उसका विज्ञान में शून्य कोई वो हो वो साहित्य पढ़ना चाहता हो उससे कम है तो भैया कॉमर्स पढ़ा दो कॉमर्स में मैथ्स दिला देंगे और अगर मामला बिल्कुल ही टाइम टाइम फेस है तो चलो भाई फिर तो मानविकी है ही फिर हिस्ट्री पढ़ा दो हिंदी पढ़ा दो लिटरेचर पढ़ा दो जो भी है। ये गलत है ठीक है कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर बहुत मैं अब सोचिए कि अल्टीमेटली आप चेतन भगत जैसे इंसान को देखिए आईआईटी आई उसके बाद अल्टीमेटली क्या कर रहा है नॉवल ही तो लिख रहा है तो इतना समय उसने बर्बादी तो किया अब ठीक है कुछ अनुभव लेकर आया तो फाइव पॉइंट सम लिख दिया अगर इंजीनियर नहीं होता या एम नहीं किया होता बट वो कहने की बातें हैं तो बेसिकली एक ऐसे संदर्भ में जहाँ लैंगिक विभेद भी बहुत बड़ा है तो जो लड़कियाँ जिनका विज्ञान के प्रति कहीं अभिरुचि है समर्पण है योग्यता है उनके अंदर उनको प्रोत्साहन मिल सके ऐसा ना हो कि उनको ज़बरदस्ती कि तुम तो नर्स बन जाओ टीचर बन जाओ ठीक है तो मानविकी में जो उनको धकेलने की प्रक्रिया होती है उससे रोकने का एक प्रयत्न है विज्ञान ज्योति स्कीम स्कूल में बच्चियों को जो मेरिटोरियस हैं उनको साइंस की तरफ इंक्लाइन करना स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और इसमें एक और एम मैनेजमेंट जोड़ दीजिए तो डबल एम हो जाता है स्टेम इनमें महिलाओं का जो महिलाओं की सहभागिता है वो बहुत कम है इसको बढ़ाना भी विज्ञान ज्योति का एक लक्ष्य है इट ऑल्सो ऑफर्स एक्सपोजर फॉर गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की हैं वो अपनी यात्रा को है ना स्कूल से लेकर किसी विज्ञान के क्षेत्र में कोई बहुत आकर्षक नौकरी वहाँ तक कि उस यात्रा को वो समझ सके उसके लिए तैयार हो सके ये भी एक इसके अंदर एक वो है गति प्रोग्राम क्या है जेंडर एडवांसमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन्स गति इज जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर डेवलप किया जाएगा और एक फ्रेमवर्क भी डेवलप होगा जिसमें असेस किया जा सके कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में कितना लैंगिक समानता है यानी लड़कियां महिलाएं कितना हिस्सेदारी यहां पर कर पा रही हैं तो गति उस पूरे अध्ययन को करने का एक विकल्प है तीसरा विकल्प था किरण किरण का मतलब है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग किरण स्कीम इसको स्टार्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा और इसका लक्ष्य है एम है टू ब्रिंग जेंडर पैरिटी अगेन लैंगिक न्याय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बाई इंडक्टिंग मोर वुमेन टैलेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोमेन तो आर डी में रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इन्वॉल्व करना किरण इस बिंदु पर केंद्रित है तो आप देखिए ये तीनों जो स्कीम्स थी विज्ञान ज्योति गति और किरण ये महिलाओं की कैसे विज्ञान क्षेत्र में भूमिका बढ़े उस पर केंद्रित है ध्यान रखिए चलिए अगला सवाल कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इनमें से कौन से क्राइटेरिया इनका पालन किया जा रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 इनमें से क्या क्या चीजें शामिल क्या इसमें शामिल है कचरे को वेट ड्राई और हजार्ड कैटेगरीज में बांटना वेस्ट प्रोसेसिंग व्यवस्थाओं का निर्माण तीसरा वन आच्छादित क्षेत्र को वार्षिक तौर पर उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ता रहे क्या ये शामिल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में और चौथा है कि जो शहर हैं उनका सैनिटेशन स्टेटस क्या है उस बात को इसमें देखना है तो उत्तर जो आ रहे हैं वो बी 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 अमित ए दूसरा अमित शाह बी नीरज बी सचिन सिंगराना बी अंकित कुमार डी बी और डी यानी वन टू फोर और वन टू थ्री फोर इसमें दुविधा है ज्यादातर लोगों को राजा कह रहे हैं डी धीरेन्द्र कुमार बी हिना डी विनय मौर्य बी रोहित बी बी और डी देखते हैं बी आंसर बी का मतलब हुआ तीसरा जो है ये इसमें शामिल नहीं थोड़ा सा कॉमन सेंस की भी बात भी थी स्वच्छ सर्वेक्षण में प्री कवर को ऐड करना थोड़ा सा बेजार लग रहा था थोड़ा सा अव्यावहारिक लग रहा था देखिए समझिए अभी हालिया समय में इस परीक्षा वर्ष में एक नया पुरस्कारों की एक नई श्रृंखला जिसको कहा गया प्रेरक दौर सम्मान यह भी ध्यान रखिएगा इस नाम से भी पूछ सकता है प्रेरक दौर सम्मान इसको अनाउंस किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रणनीति में प्रेरक दौर सम्मान में बेसिकली पांच अतिरिक्त सब कैटेगरीज को उप श्रेणियों को निर्मित किया गया जिसमें है दिव्या अनुपम उज्जवल उदित और आरोही ठीक है यानी आप जब शहरों को आप इसमें इस पूरी श्रृंखला में बांटेंगे तो पांच सब कैटेगरीज होंगी दिव्य अनुपम उज्जवल उदित और आरोही नाम ध्यान रखिएगा अगर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बात करें तो शहरों को मूल्यांकन जो उनका हो रहा था वो किस क्राइटेरिया पर हो रहा था पॉपुलेशन कैटेगरी के आधार पर कि एक महानगर की तुलना एक बहुत छोटे शहर के साथ नहीं की जा सकती तो जनसंख्या के हिसाब से कैटेगराइज किया गया था लेकिन 2021 में इनको कैटेगराइज किया जाएगा छ चयनित इंडिकेटर संकेतकों के माध्यम से ये छः क्या हैं उन शहरों में जो वेस्ट कचरे का जो एक तरह से उसका जो वर्गीकरण होता है क्या वो वेट ड्राई और हजार कैटेगरी के, के हिसाब से होता है यह एक मापदंड होगा कैटेगराइज करने का दूसरा प्रोसेसिंग कैपेसिटी प्रसंस्करण क्षमता वे, वेट वेस्ट जेनरेट, जो जेनरेट होता है उसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी कितनी है यह एक आधार होगा तीसरा आधार होगा प्रोसेसिंग और रिसाइकिलिंग कैपेसिटी कितनी है वेट और ड्राई वेस्ट की चौथा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग ठीक है इस बात को एक आधार दिया जाएगा पांचवा आधार होगा percentage of waste going to landfills, ये खतरनाक है अपने शहरों में बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे कचरे के ठीक है लैंडफिल्स के नाम पर कचरे को पहाड़ बनाया जा रहा है कितना कचरा आपका लैंड फिल में जाता है टोटल कचरा कितना प्रोड्यूस होता है शहर में और कितना लैंड फिल्स में जाता है इस बात को कहीं इसमें देखा जाएगा और छठा आधार है सैनिटेशन स्टेटस क्या है शहरों का इस बात को भी देखा जाएगा तो अब ये छह इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन होगा 2020 में पॉपुलेशन के आधार पर जो मूल्यांकन था उससे बातें आगे बढ़ गई चलिए अगला सवाल करें आर्या रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आर्या रैंकिंग्स के संदर्भ में दो कथन है आपको सही कथन देखना है क्या ये शिक्षा मंत्रालय का एक प्रयत्न है और दूसरा कथन है कि इस आर्या रैंकिंग के माध्यम से फोकस किया जा रहा है इनोवेशन पर और जो उद्यमशीलता विकास है ऑन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में उसके ऊपर युवराज बी कह रहे हैं पूजा सी कह रही हैं विनय कह रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है अर्चना बी हिनासी बी और सी के बीच चल रहा है दूसरा सही या दोनों सही ठीक है ये पूरा मसला है देखते हैं सी आंसर सही है आर्या क्या है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट एक तो यही सवाल बन जाता है आप ध्यान रखिएगा अटल इनोवेशन प्रोग्राम अटल टिंकरिंग लैब्स सबके ऊपर प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने विगत वर्षों में उसी से संबद्ध एक और संकल्पना है आरिया अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ठीक है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही प्रयत्न है तो पहला कथन सही था भारत सरकार सिस्टमैटिकली रैंक करेगी सारे जो प्रमुख हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं भारत में और ऐसा होगा कुछ इंडिकेटर्स के आधार पर इंडिकेटर्स जो इनोवेशन को और ऑन्ट्रप्रनोरशिप विकास पर केंद्रित हों और इसमें जो विद्यार्थी हैं और जो शिक्षक हैं फैकल्टीज दोनों के योगदान को इन संकेतकों में देखा जाएगा ये पूरा आर्या का आधार है मेजर जो इंडिकेटर्स होंगे रैंकिंग्स के लिए वो आरिया में निम्नलिखित हैं एक बजट और फंडिंग सपोर्ट कितना है दूसरा इन्फ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुविधाएं कैसी हैं तीसरा अवेयरनेस प्रमोशन और सपोर्ट आइडिया जनरेशन के लिए और इनोवेशन के लिए किस मात्रा में है उस बात को देखा जाएगा अगला है प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर ऑन्ट्रप्रशिप डेवलपमेंट कितना है प्रमोशन कि हम उद्यमशीलता के विकास पर बल दे सकें या इनोवेटिव लर्निंग पर बल दे सकें और ऐसे मेथड्स और कोर्सेस को कितना समर्थन वहाँ पर मिलता है नेक्स्ट मुद्दा आर्या में है बौद्धिक संपदा का सृजन कितना हो रहा है कितने पेटेंट कॉपीराइट्स ये सब मिल रहे हैं इस बात को देखा जाएगा अगला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कॉमर्शलाइजेशन की स्थिति क्या है और अंतिम है इनोवेशन गवर्नेंस में उस संस्थान के नवाचार की क्या स्थिति है इन In सारे इंडिकेटर्स के साथ अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट इसका निर्माण होगा ये भी एक प्रयत्न है जिसको हमें पता होना चाहिए चलिए अगला सवाल करिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस से संबद्ध है सीरीज क्या है जो कि नासा के हालिया अध्ययन में अभी चर्चा में रहा है सीरीज ये क्या है what इज series कोई एस्टेरॉइड है कोई ड्वार्फ प्लैनेट है कोई ब्लॉक ब्लैक होल है या कोई कॉमेट है बी ड्वार्फ प्लैनेट अभी तक सबका आंसर बी आ रहा है तो निश्चित सी बातें सही होगा अभी नासा ने अपने डॉन नाम का जो इनका एक स्पेस क्राफ्ट है उसके डेटा के आधार पर बोला कि ये एक डॉर्फ प्लानट है सीरीज जो एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच वहाँ पर केंद्रित है और ये कोई बैरन स्पेस रॉक नहीं है ये एक डॉर्फ प्लानट है ये काफी उपलब्धिपूर्ण मानी गई क्योंकि इसके आधार पर कई सारे और असोसिएटेड जो स्पेस रिसर्च के आयाम हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं पहले ये माना जाता था इट वॉज ये बिलीव प्लैनेट जो है वो बैरिन है ठीक है बट द डेटा कलेक्टेड रिवील दैट इट इज अ वाटर रिच प्लेस जल संपन्न क्षेत्र हो सकता है एंड कुड बी अ लार्ज एंड रिजरवायर ऑफ सॉल्ट वाटर यहाँ पर थोड़ा सॉल्टी वाटर का एक बहुत लार्ज और डीप रिजर्वायर भी सीरीज में हो सकता है इस तरह का डेटा जो डॉन स्पेस है उसने दिया है 2015 में डॉन स्पेस क्राफ्ट ये सीरीज की कक्षा में पहुंचा था एंड इट इज ओवरऑल स्मॉलर देन दर्थ मून बहुत छोटा सा सीरीज है लेकिन इसको इसके संदर्भ में जो सूचनाएं आ रही हैं उसको भी अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखा जा सकता है अगला सवाल जल्दी से करिएगा पोषण और फिटनेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थीम रहता है परीक्षा में उसको आप देख सकते हैं ईट राइट इंडिया ये एक फ्लैगशिप पहल है किस संस्था की एफ एस एस ए आई डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एफ सी आई बी आई एस ईट राइट इंडिया अर्चना अमित संकेत नीरज सब लोग ए ए ए सबका ए आ रहा है सही होगा एफ एस एस ए आई इस पर प्रश्न आए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने पहल करी है ईट राइट इंडिया नाम से एक आंदोलन लोगों में जागरूकता पैदा करना हम सुरक्षित खाएं हम स्वस्थ खाना खाएं और हमारी जो खान पान की आदत है वो सस्टेनेबल हो क्योंकि प्रॉब्लम सारी आपको लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज में दिख रही है तो एफ एस एस ए आई ने लॉन्च किया ईट राइट चैलेंज जो एक वार्षिक प्रतियोगिता होगी ईट राइट चैलेंज एनुअल कॉम्पिटिशन है टू स्ट्रेंदन फूड रेगुलेटरी इको सिस्टम जो खाद्यान्न विनियम विनियमन संबंधी जो पारिस्थितिक पारिस्थितिकीय तंत्र है उसको सशक्त किया जा सके और जागरूकता को बढ़ाया जा सके कि हमको किस तरह का खान पान करना चाहिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस ईट राइट इंडिया अभियान को और उस हैंडबुक को लॉन्च किया यह भी एक घटना चलिए फ्लैबोनोइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल उस पर केंद्रित सवाल है देखिए कौन सा कथन सही है फ्लैबोनोइड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में अतिरिक्त तो और कुछ फ्लेबोनोइड्स प्लांट से डिराइव होते हैं पहला कथन है और कैंसर के उपचार में इनका कैंसर के उपचार में इनका प्रयोग होता है ये दूसरा कथन they can be derived from plants they are used in treatment of cancer which of the following statements are correct pata hai c c आने शुरू हो गए दोनों सही हैं प्लांट से डिराइव्ड है और कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका उपचार होता है ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है आंसर है okay. ए ठीक है हमेशा सब कुछ जो लगे वो होता नहीं है. रिसेंटली साइंटिस्ट्स है फाउंड द फर्स्ट सिंथेटिक रूट फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैबोनोइ्स मॉलिक्यूल्स तो फ्लैबोनोइड्स जो प्राकृतिक तौर पर भी पाए जाते हैं लेकिन कृत्रिम तौर पर इनको बनाने का एक पहला रास्ता अभी वैज्ञानिकों ने सुझाया है और बेसिकली फ्लैबोनोइड्स ट्यूबरकुलसिस और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मॉलिक्यूल दीज़ मॉलिक्यूल्स है अभी तक इनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था ठीक है और चूंकि इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन बड़ी संक्रामक और घातक बीमारियों को रोकने में तो ये सिंथेटिक तौर पर अगर प्रोड्यूस हो सकते हैं खासतौर से ट्यूबर क्लोसिस सोचिए इंडिया कितना पीड़ित है तो उस दृष्टि से एक को आपको इंपॉर्टेंट मानना चाहिए लेबोनोइड्स आर पार्ट ऑफ पॉलिफिन क्लास ऑफ फाइटोन्यूट्रीन बेसिकली फाइटोन्यूट्रीन हैं जो प्लांट केमिकल्स होते हैं और लगभग सभी फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं जब कहा जाता है फल और सब्जी खूब खाइए तो उसके पीछे जो विज्ञान है वो बहुत सारे तत्वों पर केंद्रित है उसी में से एक फ्लेवोनोइड्स भी हैं तो फ्लैबोनोइड्स लगभग सभी फलों सब्जियों में पाए जाते हैं अगर कैरोटेनोइड् से मिलाकर इनको देखा जाए कैरोटेनोइड्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक पिगमेंट्स होते हैं तो ये मिलकर दोनों फ्लेबोनोइड्स और कैरोटेनोइड्स ये उत्तरदायी होते हैं जो भी आपको सब्जियों और फलों का बहुत आकर्षक रंग बिरंगा चित्रहार दिखता है उसके पीछे भी फ्लेवोनोइड्स और कैरोटेनोइड्स का रोल माना जाता है पॉलीफिन की अगर बात करें तो ऐतिहासिक तौर पर ये चाइनीज़ और आयुर्वेदिक क्योंकि ये चाइनीज़ मेडिसिन और आयुर्वेदिक जो हमारी परंपरा है जिसको कहते हैं ईस्टर्न वे ऑफ मेडिकेशन इनमें पॉलीफिनॉल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ऐतिहासिक तौर पर माना जाता है ख़ास तौर से स्किन प्रोटेक्शन को लेकर ब्रेन फंक्शन को लेकर ब्लड शुगर लेवल को लेकर और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने को लेकर तो ये भी पूरा संदर्भ आपको यहाँ पर दिखेगा फ्लेबेनोइ्स इनका आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ये सारी चीजें मिलकर एक इंपॉर्टेंट इशू बनता है चलिए आज बात को यहीं रोक रहे हैं काफी विषय हमने आज करे कल फिर नियत समय पर नौ बजे आपसे मुलाकात होती है कुछ और मुद्दों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार रात्रि।